ठीक है, ये वन ऑफ द अच्छा, मतलब इस डिप्पी का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही मैं मानता हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं टी ले रहा हूँ, ले सकता हूँ। अगला क्वेश्चन ये बोलता हूँ कि रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 1/t होगी, क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन, तो ये पक्का उल्टा होना चाहिए। चलिए यहां से मैं क्या करूंगा, टी की वैल्यू निकालूंगा, तो इन दोनों को माइनस कीजिए, तो 2x इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, 1/t माइनस टी। डी एक्स की वैल्यू बता सकते हैं आप, डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1/2 माइनस 1/t स्क्वायर प्लस माइनस 1 dt। खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे भाई, ध्यान दीजिए, डी एक्स की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ वन माइनस 1/2 बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1, और नीचे t की पावर n बैठा हुआ है। सही, अब ध्यान दीजिए, माइनस 1/2 तो बाहर ले लीजिए, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस n माइनस 2 प्लस t की पावर माइनस एन dt। इसकी मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 t की पावर माइनस n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस n माइनस 2 प्लस 1। सही, यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस t की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस, सही जा रहा हूं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/2 बाहर ही रहने दीजिए, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, सही, और वो प्लस में हो जाएगा टी की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1। सही, कुछ तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऊपर में जेड क्या है, जस्ट माइनस है, तो मैं यही तो बोल रहा हूं, देखिए जेड के जगह पे क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि 1/t रख दूं तो जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। अपना आंसर ये आ रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसके में पावर प्लस है, पावर प्लस है मतलब पक्का टी के जगह पे 1/t है, तो 1/t अपनी क्या थी, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये ऑब्जर्वेशन था कि इसको यदि टी पकड़ूंगा तो 1/t ये हो जाएगा, क्यों, दोनों का मल्टीप्लाई देखिए 1 है, फिर वहां से एक्स निकालिए, डी सी कर लीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।